I'm very, very happy that and thrilled that Rohit is here to launch the book. This book is very important to me. I'm sharing a bit of my childhood in it, but the good thing is that a lot of people can relate to it. So it's a way to share childhood memories, and I hope the book makes people share their childhoods and other stories with each other, and makes people meet more each other, which is the purpose of the book. And I'm very glad that he's come. He's not only come, but he's not come as a celebrity guest. He sat, he heard all the stories, he shared some of his own stories, and I think it's very gracious and generous of him to be here. Okay, Rohit sir, क्या कहना चाहेंगे आप बुक के बारे में? जानवी एंड वी गो अ लॉन्ग वे. जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे, जानवी ने कई सवाल किए मुझसे कई सालों तक. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बुक लिखी गई है, इट्स लाइक यू नो एक अलग वर्ल्ड में आपको लेके जाती है, और जो वर्ल्ड में आप जाते हो वो वर्ल्ड में आप जाने के बाद आपको एक सुकून मिलता है, आपको खुशी होती है, एंड साथ ही साथ यू रियलाइज़ कि ये वर्ल्ड रियल था कभी, जिसमें आप जिए हो, आपका बचपन गुजरा है, एंड इट मेक्स यू थिंक. यू नो जब मैंने ये बुक पढ़ी, जब जानवी ने मुझे ये बुक दी कुछ दिनों पहले, एंड इट मेक्स यू थिंक कि हम लोग we have been advanced in technology, and बहुत कुछ हो गया है, but कहीं ना कहीं वो एक simplicity, एक सादगी जो थी हमारे शहर की या हम सब में, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है. वो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सब भाग रहे हैं, including me, and but ज़िंदगी तब भी चल रही थी, ज़िंदगी आज भी चल रही है, but कहीं ना कहीं जो simplicity थी वो ख़त्म होती जा रही है, and हर चीज़ को कहीं ना कहीं हम ज़्यादा complicated कर रहे हैं for no reason. यू नो कुछ चीज़ें जो पहले बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से जी जाती थी, आज वही सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है. हमारा माहौल भी ऐसा हो रहा है कि हम यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें. सो जब व्हेन यू गो थ्रू दिस बुक, एक कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड मिलता है. इट्स लाइक अ मेडिटेटिव थिंग यू आर डूइंग. यू नो दो द बुक इज़ ऑन यू नो हर लाइफ एंड हर चाइल्डहुड, बट इट्स लाइक यू फील हैप्पी वंस यू फिनिश द बुक, और यू इवन इफ व्हेन यू फिनिश अ चैप्टर यू फील हैप्पी एंड यू रियलाइज कि या ऐसे तो थे हम लोग, अब क्या हो गया हमें. आपको बहुत ही बुक पसंद है, आपने ये भी कहा कि इस पे सीरीज भी बनना चाहिए नुक्कड़ करके, और अगर जानवी मैम का ऐसा कैरेक्टर ऐसे कौन जो प्ले कर सकता है बॉलीवुड से? अभी यार एक नाम लूंगा ना तो फिर दूसरी बुरा मान जाएगी, और किसी जिसका नाम लूंगा ना वो ऑफिस कल आ जाएगी, तो बहुत टेंशन हो जाता है आजकल. मैंने बोला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सब. जब भी कोई अब गोलमाल के बारे में पूछता है, अब वो ड्यूटी लगती है कि मैं औरों के लिए बना रहा हूँ, ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट नहीं रहा, हाउस होल्ड ब्रांड बन गया. आई हैव टू जस्ट मेक इट एवरी नाउ एंड देन एंड ब्रिंग इट टू देम. एंड कहीं ना कहीं जैसे गोलमाल भी अगर आप देखें, तो मैं जो कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब वो सादगी वाली चीज़ है, मतलब यू हैप्पी ऐसे ज़्यादा हर चीज़ में, यू डोंट नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू एनालाइज एवरीथिंग. कभी कभी सिर्फ खुश रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो गोलमाल वही काम करती है. अभी बहुत नेक्स्ट ईयर आएगी. थैंक यू. Thank you.